हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो है विचलन से संबंधित कुछ मुद्दे या कुछ प्रमुख तथ्य जिनके बारे में जानना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं, विचलन का अर्थ है सामाजिक मानदंडों के प्रति रूपता, प्रति प्रतिरूपता। तो यह कथन किसका है? थियोडोरसन और एवं थियोडोरसन का। वही विचलित व्यक्ति वह है जो समूह की शेष सदस्यों से भिन्न व्यवहार करता है। इन्होंने कहा विचलित व्यक्ति वह है जो समूह से शेष सदस्यों से भिन्न होता है, जिससे वह संबद्ध होता है, अर्थात जिस समूह से जुड़ा हुआ था। समूह के आदर्शों से भिन्न व्यवहार करना ही विचलन है, या फ्रीडमैन और डूब का मानना है। अपराध क्या है? अपराध कोई भी वह क्रिया है जो कि जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है। यह कथन है भावरर का। और यह पूछा गया है कि अपराध कोई भी वह क्रिया जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है, तो यह परिभाषा किसकी है? भावरर की। अगला, प्रतिमानहीनता। दुर्खीम ने विचलन को प्रतिमानहीनता कहा है। कहा है जब समाज के केंद्रीय मूल्यों एवं मानदंडों की अवहेलना की जाती है तो यह प्रतिमानहीनता कहलाती है। इन्होंने कहा कि जब समाज के कुछ सदस्य समाज के केंद्रीय मूल्य एवं मानदंडों की अवहेलना करते हैं तो उसे वह उनका प्रतिमानहीनता या विचलन कहते हैं। तो अपराध के कुछ सिद्धांत हैं, प्रेत या शास्त्रीय सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय सिद्धांत। तो यह बेंथम एवं बेकेरिया 1974 में दिया गया था और इसे सुखवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, ये 1964 है। दूसरा है भूगोल शास्त्रीय सिद्धांत या भौगोलिक। तो केटलेट तथा गैरवी 1880। तो इन्होंने अपराध के पीछे भौगोलिक कारकों को जिम्मेदार ठहराया। अब शास्त्रीय सिद्धांत में बताया गया है कि व्यक्ति अपने जब अपराध करता है तो अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है, इसलिए अपराध करता है, या शास्त्रीय सिद्धांत वालों का कहना था। समाजवादी सिद्धांत, मार्क्स और एंजल्स कहते हैं कि व्यक्ति के अपराध करने का जिम्मेदार समाज है। प्रारूपवादी सिद्धांत 1875 में। समाज शास्त्रीय सिद्धांत सदानंद ने श्वेत वसन अपराध के रूप में दिया है। बहुकारकी सिद्धांत, आगबर्न, रेकलेस तथा टेक्स्ट। बहुकारकी सिद्धांत से कौन कौन जुड़े हैं? आगबर्न, रेकलेस तथा टेक्स्ट। जन्मजात अपराधी सिद्धांत या लुम्ब्रोसिस से संबंधित है। यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सर्वाधिक पूछा जाता है। तो लुम्ब्रोसिस ने माना है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। अगला, श्वेत वसन अपराध क्या है? वाइट कलर क्राइम। श्वेत वसन अपराध संभावित एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किए जाने वाले अपराध के रूप में एडविन एच सदरलैंड ने परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति उस उच्च सामाजिक परिस्थिति का होता है और अपने व्यवसाय, अपने परिस्थिति या भूमिका को निभाते हुए, उच्च परिस्थिति भूमिका या व्यवसाय बिजनेस करते हुए जो गलत तरीके से पैसे कमाता है, वही श्वेत वसन अपराध के श्रेणी में आता है। श्वेत वसन अपराध पे कानून एवं समाज की नज़र नहीं होती है, कानून और समाज से चुरा कर किया जाता है, या फिर जानते हुए भी व्यक्ति इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, इसलिए यह दबा रहता है। टैप्ट ने, श्वेत वसन अपराध वह है जो उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है। तो टैप्ट ने कहा कि श्वेत वसन अपराध वह है जो कि उच्च वर्ग या परिस्थिति वाले लोग करते हैं। क्लिनार्ड, श्वेत वसन अपराध ऊँची व्यवसायिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। क्लिनार्ड, उसे तो मुख्यतः टैक्स चोरी को श्वेत वसन अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। ताप संबंधी सिद्धांत किससे जुड़ा है? क्वेटलेट से। अगला है भ्रष्टाचार। व्हाट इज भ्रष्टाचार? इसमें किसी मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य को सम्मिलित किया जाता है। रॉबर्ट बुक्स कहते हैं कि भ्रष्टाचार वह है जिसमें मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य या को सम्मिलित किया जाता है। जैसे अयोग्य व्यक्ति को किसी राजनीतिक नेता अपने अयोग्य रिश्तेदार को किसी पद पर बैठा देता है तो वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। आत्महत्या, दुर्खीम।
आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु के उन सभी प्रकारों के लिए किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आत्महत्या करने वाले व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक कार्य का परिणाम होता है। दुर्खीम कहते हैं आत्महत्या शब्द का ऐसे व्यक्तियों के या मृत्यु के लिए किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आत्महत्या करने वाले व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम होता है, अर्थात अंतिम परिणाम मृत्यु होता है। कैनन आत्महत्या स्वेच्छा से अपनी जीवन लीला समाप्त करने हेतु अथवा मृत्यु द्वारा आतंकित होने पर जीवन को बचाने में असमर्थता होती है। तो आत्महत्या का जिम्मेदार दुर्खीम समाज को मानते हैं। उन्होंने कहा कि आत्महत्या व्यक्ति सामाजिक दबाव या सामाजिक कारकों के कारण आकर करता है। अगला विचलन का समाजशास्त्र, यह सुशील चंद्रा से संबंधित है। यह सब प्रश्न पूछा गया है। सामाजिक मूल्यों का समाजशास्त्र आर के मुखर्जी। कर्मकांड का समाजशास्त्र एपी नागेंद्र। अपराधी व्यवहार के विभिन्न अवसर का सिद्धांत यह क्लिनार्ड और वोहलिन से संबंधित है। तो यह मुख्यतः मिलान करने के लिए दे दिया जाता है क्वेश्चन। अगला है भ्रष्टाचार आयोग। तो भ्रष्टाचार आयोग, प्रथम भ्रष्टाचार आयोग जो था उस समय एस्पाल आयोग के नाम से जाना जाता है। लेबलिंग का सिद्धांत हावर्ड यस बेकर से संबंधित है। और लेबलिंग का सिद्धांत है क्या? जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उस पर चोर का थप उसे चोर चोर व्यक्ति कहने लगते हैं, और आदतन वह आकर आगे चलकर चोरी को अपना व्यवसाय बना लेता है, अर्थात उसे चोरी का ठप्पा लग जाता है, और मजबूरी में उसे अन्य कोई काम नहीं होता है तो वह चोरी ही करने लगता है। तो यही हावर्ड यस बेकर का लेबलिंग का सिद्धांत है, और इरविन गॉफमैन के कलंक के सिद्धांत से भी संबंधित है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।